बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी हमेशा एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस आए दिनों सोशल मीडिया पर तो छाई रहती हैं, इसी वजह से वो सबसे पॉपुलर भारतीय इंस्टाग्राम की लिस्ट में शामिल भी हैं। इस बीच एक बार फिर श्रद्धा कपूर अपनी एक नई वीडियो को लेकर चर्चा में आ गई हैं। इस वीडियो में एक्ट्रेस शॉप में लोगों को ज्वेलरी बेचती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे क्यूट अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की। हाल ही में श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने नए ज्वेलरी ब्रांड के पुणे वाले स्टोर पर बतौर सेल्स गर्ल काम करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले एक्ट्रेस कैजुअल ड्रेस में एक शॉप के गेट पर खड़े ग्राहकों का स्वागत करती हैं। इसके बाद वह स्टोरी में आ रहे ग्राहकों को ज्वेलरी दिखाती हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान श्रद्धा कपूर को ग्राहकों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस करते हुए भी देखा जा सकता है। इस दौरान वो एक महिला को ज्वेलरी खरीदने में मदद करती हुई भी दिखाई देती हैं। वो उनको सलाह भी देती हैं कि वो कौन सी ज्वेलरी लें जो किसी भी ड्रेस पर सूट करेगा। अब श्रद्धा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। वहीं कुछ लोग एक्ट्रेस के इस वीडियो को देखकर चौंक भी रहे हैं कि आखिर वो सेल्स गर्ल का काम क्यों कर रही हैं। तो आइए क्या है पूरा मामला जानते हैं। दरअसल श्रद्धा कपूर के सेल्स गर्ल बनने के पीछे का मकसद लोगों को ये बताना था कि सेल्स लगता है आसान है लेकिन होता नहीं है। श्रद्धा कपूर ने वीडियो में अपने ये कहा कि मेरा फर्स्ट टाइम था, आप लोग करोगे तो पता चलेगा। उन सभी लोगों को सलाम है जो सेल्स का काम करते हैं। वह इस दौरान वो अपने फैंस को लर्निंग टिप्स भी देती नजर आई। वहीं एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उन्होंने सेल्स वुमेन के तौर पर 10,900 रुपये की बिक्री किया। वहीं एक्ट्रेस ने अपने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 10 में कितने मार्क्स, पुणे के स्टोर में मेरा पहला बिक्री। बता दें कि श्रद्धा कपूर ने आदित्य रॉय कपूर के साथ आशिकी 2 से अपने करियर की शुरुआत की थी और इस दौरान अपने प्यार में पड़ गई थी। आखिरी बार एक्ट्रेस फिल्म तू झूठी मैं मकार में नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने रणबीर कपूर के अपोजिट कास्ट किया गया था। अब श्रद्धा स्त्री 2 में राजकुमार राव के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा भी श्रद्धा कपूर के पास कई प्रोजेक्ट हैं जिसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।